हेलो एंड वेलकम टू कॉन स्टडी दिस इज शेखाक्षी और जो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है एम सी क्यूज़ की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तो इस सीरीज़ को आज कंटिन्यू करते हुए आज का ये वीडियो है जे एंड के जियोग्राफी पे ओके सो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपने अभी तक कॉन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो सो so, आज के इस वीडियो में ट्वेंटी क्वेश्चंस ट्वेंटी आई कैन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन जे एंड के है आप इनका आंसर दीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द जे एंड के इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो जे एंड के फॉरेस्ट रिसोर्स पर डिपेंड करती है सिल्क इंडस्ट्री फर्नीचर एंड वुड कार्विंग पेपर इंडस्ट्री और ऑल ऑफ द एबो सो आपने आंसर दिया होगा द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबो ओके सभी जो है ये फॉरेस्ट रिसोर्स पे डिपेंड करती है सो मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ राम साइट्स दैट इज़ वेट मैनेजमेंट साइट्स इन जे एंड के इनमें से कौन से रामसर साइट्स यानी जो हमारे वेट मैनेजमेंट साइट्स का पार्ट है ओके okay? सोमोरे इन लद्दाख होखरसर इन कश्मीर सुरनसर मानसर इन जम्मू बोथ बी एंड सी सो द करेक्ट आंसर हेयर इज देखो ये जो तीनों है ये रामसर साइट्स है बट यहाँ पे क्वेश्चन है साइट्स इन जे एंड के अब चूँकि लद्दाख जे एंड के का पार्ट नहीं है सो so, उस हिसाब से इसका आंसर बोथ बी एंड सी आएगा वरना ये तीनों जो है ये रामसर साइट्स है ओके सो आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज़ फेमस फॉर ग्रोइंग सेफरान सैफरान ग्रो करने के लिए इनमें से कौन सी सॉइल जो है यानी सेफरॉन उसी में ग्रो होता है इज क्ले, सैंडी लोमी और करेवा सो द करेक्ट आंसर इज करेवा ओके okay? आगे चलते हैं इन समर हॉट ड्राई विंड ब्लो इन जम्मू कॉल्ट समर में समर्स uh, में जम्मू में गर्म और खुशक हवाए चलती है उनको क्या कहते हैं चिंकू हरमटन लू और एम्फन ओके द करेक्ट आंसर इज लू उन हवाओं को हम लू कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज सी डब्ल्यू ए बी ए डी डी एफ टी और ऑल ऑफ़ द अबो सो द करेक्ट आंसर इज डी एफ बी ओके फॉरवर्ड द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ अ फेमस हाइकिंग ट्रायल इज़ इट चिनाब रिवर द्रास रिवर मारखा रिवर और डोडा रिवर सो हेयर द करेक्ट आंसर इज़ मारखा रिवर ओके आप आंसर साथ साथ में दे रहे हो अपना स्कोर नोट करके लास्ट में कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिएगा विजो द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर चेंगच मोर रिवर सालतोरो रिवर नीलम रिवर और नबरा रिवर शोक रिवर की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है सो द करेक्ट आंसर इज नीलम रिवर ओके सो द द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑफ पावर प्रोजेक्ट किशन गंगा परनायल न्यू गांधरबल सो द करेक्ट आंसर इज इजल द फॉलोइंग फॉलोइंगज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बिल्ड इन जे एंड के मोहरा सेवा इकबाल हंदर सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पूछ रहे हैं आपसे सो द करेक्ट आंसर इज मोहरा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आपको बोलना है इनमें से ठीक कौन सा है सोंत स्प्रिंग ग्रीष्म, समर वहरात रेनी और ऑल ऑफ द एबो सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबो ये सब कश्मीरी टर्म्स है स्प्रिंग को सोंत कहते हैं समर को ग्रीष्म और रेनी को वहरात ओकि सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस इन द वर्ल्ड जंसकार गुरेज द्रास और देवसांग सो ये तो सबको पता होगा द आंसर इज द्रास सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस इन द वर्ल्ड सो द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ कश्मीर डिविजन इज ओके द करेक्ट आंसर हेयर इज थर्टी इंच ओके तो आगे चलते हैं जूरिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस द प्रवेलिंग विंडस ऑरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी इंडियन ओशन अरेबिक सी ब्लैक सी सो इसका करेक्ट आंसर है मेडिटेरेनियन सी जो विंड्स आती है वो किस सी से आती है मेडिटेरेनियन सी से द क्लाइमेट टाइप ऑफ कश्मीर इज कश्मीर का क्लाइमेट टाइप कैसा है टेम्परेट सब ट्रॉपिकल सब आर्टिक और नन ऑफ दबो सो द करेक्ट आंसर इज जो क्लाइमेट है कश्मीर का दैट इज टेम्परेट टाइप टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन जे एंड के जे एंड के में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं सो so, अब रह गए हैं ट्वेंटी राइट आगे चलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज मिनी कश्मीर किस डिस्ट्रिक्ट को हम याद रखना डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है मिनी कश्मीर कहते हैं जम्मू श्रीनगर डोडा और उधमपुर सो द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट डोडा वहाँ पे आता है बदरवा और बदरवा को ही हम मिनी कश्मीर कहते हैं विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन जे एंड के जे एंड के में सबसे लंबा रिवर कौन सा है जहलिम चिनाब इंदस और डोडा सो द करेक्ट आंसर इज चिनाब टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन जे एंड के इज टोटल नंबर नेशनल पार्क्स का जे एंड के में कितना है सो द करेक्ट आंसर इज फोर पहले फाइव थे बट अब जब से लद्दाख अलग हो गया अब फोर रह गया ओके द लास्ट क्वेश्चन रघुनाथ टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू द हिंदू लॉर्ड रघुनाथ टेम्पल किस हिंदू लॉर्ड को डेडिकेट किया गया है इज इट श्री रामा महादेव ब्रह्मा जी और नन ऑफ अबो सो करेक्ट आंसर इज श्री रामा रघुनाथ टेम्पल जो है वो डेडिकेट है टू श्री रामा ओके आई होप आपने भी सब क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे अब सिंसियरली अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा थैंक यू एवरी वन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स बाय